जुहू बीच की अगर बात की जाए तो बीच पर हर कोई अपने परिवार के साथ जाना पसंद करते हैं। बीच का नज़ारा देखते ही एक सुकून मिलता है और बीच के किनारे बसा चाट का स्टॉल उसे अनोखे यादों से जोड़ देता है। अब जुहू बीच इतना जाना माना हो गया है कि विदेशी लोग भी यहाँ आना पसंद करते हैं। आइए आपको जुहू का नज़ारा दिखाते हैं। मुंबई में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर पाव भाजी और चाट का मज़ा लेने लोग दूर दूर से आते हैं। शायद आप जान चुके होंगे, जी हां, मैं मुंबई में जुहू चौपाटी की बात कर रहा हूं, जहां पर लोग दूर दूर से मुंबई जुहू चौपाटी पर आते हैं चाट और पाव भाजी का मज़ा लेने के लिए। और यहां की ठंडी हवा में चाट दूर से उसकी लुभाने आते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त यहां पे हमें मिले हैं, ऐसे ही कुछ लोग यहां पे मिले हैं जो आए हैं मुंबई चौपाटी का मज़ा लेने। आइए जानते हैं इनसे कि सर, मुंबई चौपाटी में आपको, आप दूर से आए हैं इस चौपाटी में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हवा बहुत मस्त लग रही है, पाव भाजी यहाँ की मस्त है और यहाँ पे मौसम जो है पूरा मस्त लगा पड़ा है। मतलब माइंड एकदम क्या फ्रेश हो जाता है यहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ आओ, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, सब आ सकते हैं यहाँ पे। पानी में गए, पाव भाजी खाई, एंजॉय किया बहुत सारा। पूरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मौसम भी अच्छे हैं, खाना भी ना यहाँ पे अच्छा है, पानी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ की रेत रिलैक्स हो जाता है। सबसे दूर आके यहाँ पे आके एंजॉय करो, सब टेंशन खत्म, सबसे दूर। मुंबई के जो चौपाटी पर आकर अगर आपने पाव भाजी नहीं खाई तो फिर यहाँ का मज़ा आपने क्या लूटा। यहाँ पर पाव भाजी के साथ साथ चाट मसाले की भी यहाँ पर है, जैसा कि पूरी, समोसे, यहाँ पर कितने प्रकार के चाट हैं आप देख सकते हैं। भेलपूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, शायद आपको देखकर मुंह में तो पानी आ ही चुका होगा। लेकिन आपके ये मुंह में पानी आने का कारण भी मैं बता दूँ कि तीखा खाने के बाद कुछ ठंडा होना चाहिए। वहाँ पर देख रहे हैं कि ये फालूदा जिस प्रकार से रखा है इतना प्यारा है, तो चटपटा खाने के बाद कुछ मीठा और ठंडा खाने का मज़ा। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं जुहू बीच, ये जुहू चौपाटी इलाके में यहाँ पर मजा लुभाने। मुंबई का ये मशहूर जुहू चौपाटी बीच मुंबई या महाराष्ट्र या भारत तक सीमित नहीं, इसकी ठंडी हवा लेने दूर दराज से विदेश से लोग आते हैं। ऐसे ही शख्स हमारे बीच बैठे हैं जो कि लंदन के रहवासी हैं। आइए जानते हैं उनसे। वेरी वेलकम टू इंडिया सर। नाइस टू मीट जुहू बीच। वेल सर, व्हाट डिड यू फाइंड गुड क्वालिटीज इन जुहू बीच? वेल फॉर वन, ओके, आई एम रियली एंजॉयिंग अ लवली मैंगो आइसक्रीम। You won't get that in London. Okay. And it's a lovely, I'm getting a nice cool breeze, sitting here, enjoying the ice cream. The food is really nice as well. I'm going to grab some food as well. Okay, so in a moment. Haven't you had any food? Not today. I've just got here, just arrived in Juhu Beach just now. Okay. I'll spend a couple of hours here. Just relax and enjoy, and I'll grab some food in a short while. What are you going to have right now? I'll have a look at the pav bhaji. That looks quite interesting. And maybe some other things like that. So we'll see. It's very different, very, very different, okay? You have a lot of life
on the beaches here in India. You have in Juhu especially, you have a lot of life. There's so much happening. You've got fruit sellers, you've got people selling little different wares. Over there in London, it's mostly just the public, and then you sit and enjoy the beach, and that is only during the summertime as well. Yeah, this is what India is about, isn't it? You don't need to have a formality to enjoy. You just have to have yourself and get, you know, just be yourself. You don't have to worry about formality. Here, I think in England as well, you have a lot of people coming here to sunbathe. Over here, it's not really for the getting the sun. It's here to just enjoy with your family and friends, just enjoy the beach. And, ये थे जय कुमार जी जो कोरियोग्राफर हैं, लंदन से आए हैं और आने वाली उड़ान में वो सिंगापुर जाने वाले हैं। बस वो स्पेशली यहाँ पर आए थे जू चौपाटी का लुप लुभाने। कैमरामैन रामा के साथ मैं प्रणव शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।